hello good morning my dear students on behalf of rasa international school today i'm going to teach you english literature chapter number 9 knocking at the invisible door in this video we are going to cover page number 112 to 115 knocking at the door invisible door invisible hota hai jo dikhai nahi deta here you can see the conversation between two students mike वाई आर यू ड्रेसिंग लाइक दैट माइक तुम ऐसे क्यों ड्रेसअप हुए हो इट्स अ सरप्राइज नाउ आई एम ट्राइंग टू रीड ये सरप्राइज है मैं ट्राइ मैं री पढ़ाई करने की पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ वट आर यू ट्राइंग टू रीड देर इज़ नो बुक इन योर हार्थ तुम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तुम्हारे हाथ में कोई भी बुक नहीं है हाँ हा, let लेट मी टर्न page एंड रीड अ स्टोरी टू यू हाँ 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 चलो मुझे तुम टर्न करने दो पेज पलटने दो और मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ पराग हैज़ recently moved टू Canada विद हिज़ फैमिली पराग एक बॉय है वो रिसेंटली अभी अभी कैनेडा मूव हुआ है अपनी फैमिली के साथ ही हैज़ मेड सम न्यू फ्रेंड्स इन हिज न्यू स्कूल और उसने अपने कुछ नए दोस्त भी बनाए हैं अपने न्यू स्कूल में टुडे एवरीवन सीम्स टू बी एक्साइटेड अबाउट द ड्रामा क्लास आज सब लोग बहुत खुश हैं एक्साइटेड हैं ड्रामा क्लास के लिए जेनी जेनी ने बोला आई कैन नॉट वेट फॉर आर ड्रामा क्लास टुडे जेनी ने बोला मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती अपनी ड्रामा क्लास के लिए जो आज है एरिक ने बोला टू मैं भी इट्स गोइंग टू बी अ फन क्लास आज जो क्लास है वो बहुत फ़न क्लास होगी बहुत मज़े वाली क्लास होगी पराग सेट पराग ने बोला गाइज वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट तुम क्या बातें कर रहे हो वाई आर यू सो एक्साइटेड अबाउट द ड्रामा क्लास तुम ड्रामा क्लास के लिए क्यों इतने एक्साइटेड हो क्यों इतने खुश हो जैनी सेट जैनी ने बोला पराग यू आर न्यू टू आर स्कूल पराग तुम नए हो हमारे स्कूल में आ ड्रामा टीचर मिस कार्लिन कार दैट शी वुड बी गिविंग अस सरप्राइज़ इन द नेक्स्ट क्लास हमारी जो ड्रामा टीचर है मिस कार्लिना उन्होंने हमें बताया था कि वो एक हमें सरप्राइज़ देंगी नई क्लास में नेक्स्ट क्लास में जब भी ड्रामा की होगी

इन द स्पॉटलाइट। उन्होंने एक आदमी को देखा जो स्टेज पे था इन द है अ ब्राइट लाइट पुट डायरेक्टली ऑन अ प्लेस और पर्सन स्पेशली ऑन स्टेज वो लाइट होती है जो स्पेशली स्टेज पे ही होती है जो सिर्फ एक पर्सन या कोई भी जगह पे पड़ती है यू कैन सी इन द पिक्चर हियर दिस इज कॉल्ड स्पॉटलाइट जो इस बॉय पे पड़ी है मैन पे ही इज ड्रेस्ड इन ब्लैक एंड वाइट और उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो ब्लैक एंड वाइट कलर की थी हिज फेस इज पेंटेड वाइट और उसका जो फेस था उसका जो फेस था वो पेंट हो रहा था वाइट कलर से एंड हिज नोज हैज रेड कलर और उसकी जो नोज थी वो रेड कलर से पेंट हो रही थी ऑल द चिल्ड्रन गेट एक्साइटेड सारे चिल्ड्रन जो थे सब बच्चे बहुत एक्साइटेड बहुत ज़्यादा खुश थे

वो चीज़ है बट होती नहीं है रियल में ठीक है तो उसने इमेजिनरी डॉग पकड़ा हुआ था मतलब डॉग नहीं था बट सबको लग रहा था कि उसने डॉग पकड़ा हुआ है दे इज नो डॉग बट द मैन स्ट्रगल्स विद द रोप एज इफ ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज डॉग कोई भी वहाँ डॉग नहीं था कोई भी कुत्ता नहीं था बट वो मैन जो आदमी था उस इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था रोप रस्सी के साथ जैसे कुत्ते पे के गले में रस्सी लगी होती है और जो मैन होते हैं या जो भी उसके ओनर होते हैं वो उसको खींचते हैं पकड़ के से ही वो उसकी रस्सी को खींच रहा था कंट्रोल कर रहा था देन ही स्टार्ट्स पुलिंग अ रोप तब उसने वो रोप को रस्सी को खींचना शुरू किया दे इज नो डो बट देयर इज नो रोप देयर वहाँ पर कोई रोप भी नहीं थी वहाँ कोई रस्सी भी नहीं थी पर वो एक्ट ऐसा कर रहा था कि सबको लग रहा था कि वो रस्सी को खींच रहा है एवरी थिंग लुक्स रियल हर चीज़ रियल लग रही थी ऐसा लग रहा था कि सच में वहाँ डॉग और रोप है बट कोई भी नहीं था दोनों चीज़ें नहीं थी वो इमेजनरी हो रही थी देयर इज नो रोप वहाँ पर कोई रोप नहीं थी रस्सी नहीं थी बट द मैन इज पुलिंग इट पर फिर भी मैन उसको खींच रहा था देयर इज़ नो डोर वहां कोई डोर भी नहीं था बट ही इज नॉकिंग ऑन इट पर वो फिर भी उसको बजा रहा था नॉक मतलब जैसे हम किसी भी रूम में एंटर करते हैं तो नॉक करके एंटर करते हैं डोर पे तो ऐसे ही कोई डोर नहीं था पर वो फिर भी नॉक कर रहा था डोर को द चिल्ड्रन लाफ वेन ही मेक्स फनी फेसेस सब बच्चे हंस रहे थे जब वो फनी फेसेस बना रहा था ही फाइनली सेट्स ऑन एंड इमेजनरी चेयर वो फाइनली बैठ गया इमेजनरी चेयर पर एक काल्पनिक कुर्सी पर द लिटिल द लाइट्स टर्न ऑन ऐसे ही लाइट जो थी वो ऑन हो गई एंड मिस कार्लिना केम ऑन द स्टेज टू एड्रेस द स्टूडेंट तभी मिस कार्लिना इस्टेज पर आई और उन्होंने सब बच्चों को एड्रेस द स्टूडेंट मतलब सब बच्चों से स्पीक मतलब बात करना शुरू किया मिस कार्लिना एवरीवन प्लीज़ गिव मिस्टर पैटिसन ए यूज राउंड ऑफ अ मिस कार्लिना ने बोला सब बच्चे मिस्टर पैटिसन को अच्छे से धन्यवाद करें और क्लैपिंग बजाएं सब एवरी वन क्लैप सब ने क्लैपिंग करी उनके लिए डू यू नो वॉट वी कॉल दिस आर्ट तुम्हें पता है कि हम इस आर्ट को क्या बोलते हैं पराग राइज हिज हैंड पराग ने अपने हाथ ऊपर किए येस प्लीज टेल अस व्हाट डू यू नो अबाउट दिस आर्ट तुम्हें पता है प्लीज आप बताइए कि इस आर्ट को हम क्या बोलते हैं पराग दिस आर्ट फॉर्म इज कॉल्ड माइ माइमी मिमी इन दिस आर्ट अ पर्सन साइलेंटली एक्सप्रेस थिंग्स I once saw this in India. पराग ने बोला ये आर्ट फॉर्म को हम मिमी बोलते हैं और ये वो एक्ट होता है जिसमें कोई भी पर्सन कोई भी इंसान साइलेंटली एक्सप्रेस करता है चीज़ों को आई वं सॉ मैंने एक बार देखा था इसको इंडिया में मिस कार्लिना थैंक यू पराग मिस कार्लिना ने बोला थैंक यू पराग यू आर राइट तुम सही हो माई मी इज़ वेयर यू साइलेंटली एक्सप्रेस थिंग्स माइमी जो होती है वो वो आर्ट होती है जिसमें साइलेंटली तुम कुछ एक्सप्रेस करते हो व्यक्त करते हो यू हैव टू बी रियली गुड टू डू अ माइम शो पर उसमें तुम्हें बहुत अच्छा होना पड़ता है माइम शो करने के लिए एज देयर इज नो टॉकिंग क्योंकि उसमें कोई भी टॉकिंग नहीं होती मतलब बात नहीं होती है सिर्फ वो आपको एक्ट ऐसा करना होता है एक्सप्रेशन ऐसे देने होते हैं एक्ट ऐसा करना होता है कि लोगों को लगे कि आप क्या चीज़ कर रहे हो यू हैव टू शो वॉट यू मीन बाय बॉडी लैंग्वेज आपको वो एक्ट ऐसे शो करना पड़ता है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपको हर चीज़ बतानी पड़ती है ऑल द स्टूडेंट्स आर आर राय आर आ लिटल सारे बच्चे लिटिल कंफ्यूज्ड हुए पजल्ट हुए मिस कालीना कॉल्स जेनी ऑन द स्टेज मिस कालीना ने जेनी को स्टेज पे बुलाया मिस कालीना जेनी इमेजिन देयर इज अ बुक इन योर हैंड शो मी हाउ यू होल्ड अ बुक वाइल रीडिंग इट मिस कालना ने बोला जेनी इमेजिन करो सोचो कि तुम्हारे हाथ में एक बुक है किताब है शो मी हाउ यू होल्ड अ बुक और मुझे अब दिखाओ कि तुम कैसे वो बुक को पकड़ोगी जब तुम उसे रीड कर रही होगी मिस कालीना जेनी इमेजिन देर इज अ बुक इन योर हैंड तुम ये इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में एक बुक है कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक बुक है शो मी हाउ यू होल्ड अ बुक वाइल रीडिंग इट और तुम मुझे शो करो दिखाओ कि तुम कैसे उसको पढ़ोगी जैनी लिफ्ट अप हर हैंड्स एंड इमेजिन दैट शी इज़ रीडिंग अ बुक जैनी ने अपने हाथ ऊपर किया और इमेजिन किया कल्पना की कि वो बुक पढ़ रही है मिस कालिना से मिस कालिना ने बोला फॉर हाउ लॉन्ग विल यू रीड द सेम पेज जैनी तुम कितने समय तक एक पेज को ही पढ़ोगी टर्न द पेज अब तुम पेज टर्न करो जैनी लुक्स एट मिस कालना थिंग्स आर लिटल एंड देन टर्नस एंड इमेजिनरी पेज जैनी ने मिस कालीना को देखा थोड़ा सा सोचा और फिर उसने पेज को टर्न किया मिस कालिना मिस कालीना ने बोला नो नो टर्न इट स्लोली दैट सो दैट वी कैन सी हाउ यू टर्न अ पेज मिस कालना ने बोला नो नो धीरे से पेज को टर्न करो कि हम भी देख सकें कि आप कैसे पेज को टर्न करते हो दिस टाइम जेनी टर्नस अ पेज स्लोली इस टाइम जेनी ने जो पेज था वो बहुत धीरे से टर्न किया मिस कालीना वॉट इज दिस बुक अबाउट जैनी मिस कालीना ने बोला कि ये बुक किस बारे में है जेनी ने बोला इट्स हैज जोक्स ऑन इट इस बुक में जोक्स हैं इस बुक में चुटकुले हैं मिस कालीना देन वाई आर यू सो सीरियस मिस कालीना ने बोला पर तुम क्यों इतनी सीरियस हो क्यों इतनी सीरियसली उस चीज को पढ़ रही हो आई वॉन्ट टू सी हाउ यू लाव वेन यू रीड अ गुड जोक मुझे देखना है कि तुम कैसे हंसती जब तुम एक अच्छा जोक पढ़ती जेनी एक्ट्स एज इफ शी इज रीडिंग शी पुट्स हर राइट हैंड्स ऑन हर माउथ एंड माइम लाफिंग एवरी वन क्लैप्स फॉर जैनी जैनी ने वैसे ही किया जैसे मिस कालीना ने बताया था उसने जब वो पढ़ रही थी रीडिंग कर रही थी शी पुट्स हर राइट हैंड उसने अपना राइट right हैंड अपने माउथ पे रखा जब हंसते हैं तो हम राइट हैंड हंसते फेस पे अपने माउथ पे रखते हैं ऐसे उसने राइट right हैंड अपने माउथ पे रखा और उसने माइम्स वाली लाफिंग करी माइम्स मतलब होता है कि वो चीज़ इमेजिनरी कि वो हँसी एवरी वन क्लैप फॉर जैनी और सब ने जैनी के लिए क्लैपिंग करी मिस कालीना पराग डू यू वॉन्ट टू बोरो दिस बुक मिस कालीना ने बोला पराग से क्या तुम्हें ये बुक बोरो करनी है थोड़े टाइम के लिए चाहिए यस yes, मैम पराग ने बोला यस yes, मैम मुझे चाहिए मिस कालना देन कम हेयर नॉक ऑन द डोर एंड जेनी विल ओपन द डोर फॉर यू मिस कालना बोला ठीक है इधर आओ नॉक ऑन द डोर डोर को नॉक करो जैनी तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलेगी पराग गोज ऑन द स्टेज पराग स्टेज पर गया मिस कालीना पराग फर्स्ट नॉक ऑन योर ऑन माई हैंड पराग ने मिस कालीना बोला पराग फर्स्ट मेरे हाथ पे नॉक करो देन आई विल रिमूव माई हैंड बट यू हैव टू इमेजन दैट यू आर नाकिंग ऑन अ हार्ड सरफेस पहले मेरे हाथ पे नॉक करो फिर मैं अपना हाथ हटा लूंगी और तुम्हें ये इमेजिन करना है ये कल्पना करनी है कि तुम हार्ड सरफेस पे नॉक कर, मतलब कर रहे हो मतलब जहाँ तुम नॉक कर रहे हो डोर को तो तुम्हें लगना चाहिए कि वो बहुत सख्त है हार्ड है द पर आग ने वैसा ही किया जैसा मिस काली ने बताया था कार्लिना ने बताया था जेनी रन्स टू ओपन द डोर जेनी भागी डोर ओपन करने के लिए बट मिस कालीना स्टॉप बट मिस कालीना ने उसे रोक दिया मिस कालीना नो जेनी फर्स्ट पुट द बुक ऑन द टेबल मिस कालीना ने बोला नहीं जेनी पहले सबसे पहले बुक को टेबल पे रखो जेनी स्माइल्स एंड एक्ट एज इफ शी वो आर पुटिंग बुक ऑन द टेबल जेनी ने स्माइल किया और एक्ट किया ऐसे नाटक किया कि उसने सच में बुक टेबल पे रख दी है देन शी वॉक्स टू वर्ड्स पराग्स वो पराग की तरफ भड़ी एंड ओपन द डोर स्लोली और उसने दरवाज़ा धीरे से खोला एवरी वन क्लैप अगेन दोबारा सब ने क्लैपिंग की तालियाँ बजा मिस कालना आई नो ऑल ऑफ यू रियली लाइक दिस एक्ट मिस कालीना ने बोला मुझे लगता है कि तुम सबको ये एक्ट बहुत पसंद आया होगा कीप ऑन प्रैक्टिसिंग तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करते रहना है ओपन द रेफ्रिजरेटर डोर अपना रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करो टेक आउट अ वाटर बॉटल उसमें से पानी की बॉटल निकालो ओपन द बॉटल एंड ड्रिंक सम वाटर और उसमें से ओपन करो बॉटल को बॉटल को खोलो और पानी पियो एंड रिमेंबर इट शुड बी स्लो इनफ फॉर एवरी वन टू सी हाउ यू डू इट रिमेंबर पर ये याद रखना कि वो चीज़ तुम इतनी धीरे करो कि सबको दिखाई दे और समझ में आए कि जो तुम कर रहे हो As then द the bell rings, तभी बैल बज गई द चिल्ड्रन लीव द हॉल तभी सब बच्चों ने हॉल को छोड़ दिया बट इट लुक्स लाइक एवरी वन still स्टिल कंटिन्यू इन टू पर ऐसा लग रहा था कि सब बच्चे अभी भी माइमी में ही कंटिन्यू है मतलब उसी के बारे में सोच रहे हैं एरिक the ball as Jenny throws it. आरिक ने बॉल को कैच किया जब जेनी ने बॉल को थ्रो किया फेंका एंड पराग इज स्टिल रीडिंग द बुक विद ऑल द जोक्स और पराग जो था वो अभी भी बुक को ही पढ़ रहा था जिसमें बहुत सारे जोक्स थे होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर क्यू हैव थैंक नाइस डे